हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल हैक शेयर करने वाली हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान करेगी और साथ ही साथ आपका वक्त और पैसा भी बचाएगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट हैक धूपबत्ती के बारे में है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हम घर में सुबह या शाम के टाइम या पूजा के टाइम धूपबत्ती जलाते हैं, क्योंकि इसे जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छी स्मेल रहती है और इसके अलावा जो मच्छर मक्खी की प्रॉब्लम होती है वो भी बंद हो जाती है। बट अक्सर आपने देखा होगा कि नॉर्मली हम इस तरह से धूप जलाते हैं, लेकिन इस तरह से धूप जलाने से क्या होता है कि जब भी हम धूप जलाते हैं तो उसका ऊपर का जो नोक होता है वो तो जलता है और बाकी का धूप वेस्ट हो जाता है। तो इसी के लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, धूपबत्ती से छोटा सा एक टुकड़ा ले लेना है, उसका सबसे पहले एक बॉल बनाना है और उसकी ऐसी बीच बीच में दबा के एक छोटी सी कटोरी बना देनी है और उसके बाद आप जिसमें धूप जलाते हैं उसमें इस कटोरी को रख दीजिए। उसके बाद आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है और उस कटोरी में रख देना है और इस तरीके से अगर आप धूप को जलाओगे तो वो पूरी तरह से जल जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और इस तरह जलाने से जो धूप में से धुआं निकलता है वो बहुत ही ज़्यादा निकलता है, उसकी स्मेल भी बहुत अच्छे से आती है और ये धुआं पूरे घर में फैल जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरा धूप जलाने का आइडिया कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। मेरा नेक्स्ट हैक सुई के बारे में है। दोस्तों, हमें जब भी सुई खरीदना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरह के बंच में ही सुई खरीदते हैं, लेकिन जब हमें सुई की टाइम पे ज़रूरत होती है तो हमें एक भी टाइम पे मिलती नहीं, क्योंकि हम सुई को अच्छी तरह से स्टोर नहीं करते। इसके अलावा कई बार हम सुई और धागा एक ही डिब्बे में स्टोर कर देते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, सुई धागा एक दूसरे में उलझ जाते हैं। तो इसके लिए एक बढ़िया हैक शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके सुई धागा एक साथ उलझेंगे भी नहीं और टाइम पे मिल भी जाएंगे और आप एक साथ स्टोर भी कर सकते हो। तो इसके लिए आप खाली पेन का यूज़ कर सकते हो, खाली पेन में बहुत सारी सुई एक साथ भी आ जाएगी और आप चाहे तो इस पेन को उसी सुई धागे के डब्बे में रख सकते हो। एक तो एक आपको टाइम पर सुई भी मिल जाएगी और वो एक दूसरे में भी उलझेगी भी नहीं, और जब भी आपको सुई की ज़रूरत हो आपको पूरी पेन खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पेन की कैप निकालनी है और जो चाहिए वो सुई उससे आराम से निकल जाएगी। अगर आपको मेरा ये हैक पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हैक की ओर। मेरा नेक्स्ट हैक पानी की बोतल के बारे में है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार हम पानी की बोतल बैग में रख देते हैं तो उसमें से पानी लीक हो जाता है, उसकी वजह से हमारी बैग भी गीली हो जाती है और बैग में कोई भी सामान हो तो वो भी गीला हो जाता है। अगर आपके साथ भी ये दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, जब भी आप इस तरह की बोतल में पानी भरो तो कुछ रबर बैंड उस बोतल के नोक पे लगा दीजिए और उसके बाद उसका ढक्कन लगाइए। इस तरीके से अगर आप बोतल को रखोगे तो आपकी बोतल अगर आप बैग में रखो या कहीं और रखो, आड़ी टेढ़ी भी हो गई या नीचे भी झुक गई तो भी इसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। आई होप दोस्तों आपको ये भी मेरा हैक पसंद आया हो। मेरा नेक्स्ट हैक बिंदी के बारे में है। सभी लेडीज़ को बिंदी पहनना पसंद होता है और सभी लेडीज़ के पास बिंदी के अलग अलग कलेक्शन तो होती है, कई स्टोन की बिंदी होती है, कई कलरफुल बिंदी होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें शादी में जाना होता है और हमें मैचिंग बिंदी पहननी होती है, किसी प्रोग्राम में जाना हो तो अगर आपके पास मैचिंग बिंदी नहीं है तो आप इस हैक को ट्राई कर सकते हो। आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपकी बिंदी माथे पे लगा लेनी है और उसके बाद आपके पास अगर उस कलर की मैचिंग नेल पेंट है तो आप उस बिंदी पर उसे लगा दीजिए और थोड़ी देर सूखने दीजिए। इस तरह से आप अपनी मैचिंग बिंदी पहन सकते हो। और अगर आपके पास मैचिंग नेल पेंट नहीं है तो आप किसी कलर का भी यूज़ कर सकते हो, आजकल तो सभी के घर में बच्चों की वजह से कलर तो होते ही है। तो आपके साथ कभी ये प्रॉब्लम हुई तो आप इस हैक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। मेरा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट हैक मिक्सर के बारे में है। हम सभी लोग मिक्सर तो यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मिक्सर धोने के बाद भी उसमें ना प्याज लहसुन की बदबू रह जाती है, और स्पेशली जिनके घर में रोज़ रोज़ चिकन बनता है उनके घर में तो जो मिक्सी से मसाला निकलता है उसमें कितनी भी आप मिक्सी साफ़ कर लो अच्छे से फिर भी स्मेल रही जाती है, और उसमें अगर हम कोई और चीज़ निकालें तो वो स्मेल उसमें लग जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्लेट में थोड़े से न्यूज़पेपर के टुकड़े ले लेने हैं और उसमें थोड़ी सी आग जला देनी है, और थोड़ी सी जैसे ही आग जल जाए उसे हमें बुझा देना है और थोड़ा सा धुआं जैसे ही निकलने आ जाए उस पर आपको अपनी मिक्सी ढक देनी है और इसकी स्मेल से जितनी भी गंदी बदबू आ रही थी हमारे मिक्सर में वो गायब हो जाएगी।
इसके अलावा और एक बात शेयर करना चाहती हूँ, हमारे जो मिक्सी का पॉट होता है उसमें एक ढक्कन लगा होता है, उसे भी अच्छे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, उस ढक्कन को निकालते हैं और सीधा सीधा क्लीन कर देते हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि जो ये मिक्सी में रबर लगी होती है इसे भी निकाल के कम से कम हफ्ते या 15 दिन में एक बार साफ़ करना चाहिए। इसकी वजह से भी मिक्सी बहुत गंदी हो जाती है। हमें बाहर से तो ये गंदगी दिखती नहीं, लेकिन आप अगर रबर निकाल के देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी फंसी रहती है। आई होप दोस्तों आपको ये भी मेरा हैक पसंद आया हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी सभी हैक पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा आपको मेरी सबसे अच्छी हैक्स कौन सी लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।